भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह एक क्या हुए? जैसे लग रहा है भोजपुरी जगत फिर से गुले गुलजार हो गया। जी हाँ, जो कभी सोचा नहीं गया था वो अब हो रहा है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह इस तरह से दोबारा वापसी करेंगे और इन्हें दर्शकों का उतना ही प्रेम बल्कि उससे कहीं ज़्यादा प्रेम मिलेगा। कहाँ तो वो वक्त था कि जब अक्षरा सिंह और पवन सिंह की ब्रेकअप के बाद ये खबरें आ रही थी कि अब अक्षरा सिंह का भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव करना नामुमकिन है। दबी जबान में सभी ने अक्षरा सिंह के लिए लगभग यही प्रिडिक्ट कर दिया था, लेकिन अक्षरा सिंह की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और उनके स्टारडम का लोहा मानना पड़ेगा कि भले ही पवन खेसारी और निरहुआ सुपरस्टार हैं तो एक्ट्रेस में भी वो किसी सुपरस्टार से कम का दर्जा नहीं रखती। भाई, ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि जब अकेले कोई भी एक्ट्रेस अपने दम पर कोई भी स्टेज शो को इतना पॉपुलर बनाती है। अक्षरा सिंह कई दिनों से लगातार स्टेज शो कर रही हैं और यकीन मानिए कि जितनी पब्लिक खेसारी, पवन और निरहुआ के स्टेज शो में होती है उतनी ही पब्लिक अक्षरा सिंह के भी स्टेज शो में होती है। अक्षरा सिंह का ये स्टारडम देखने के बाद अब हर कोई बड़ा सितारा अक्षरा सिंह के साथ स्टेज शो तो करना ही चाहता होगा। भले ही वो दौर था कि जब पवन सिंह ने अपने लगभग सारी फिल्मों से अक्षरा सिंह को निकाल दिया था, और अब ये दौर है कि आज अक्षरा सिंह के दरवाजे लोग खुद खड़े हैं फिल्मों के लिए। खैर, ये वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे आज कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह अक्षरा सिंह का ये स्टेज शो या ये कामयाबी देखते होंगे तो मन ही मन वो ज़रूर खुश होते होंगे कि उनका चेला या उनका शिष्य उनके सिखाए हुए हर गुर को अच्छे से फॉलो कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि अक्षरा सिंह पवन सिंह को अपना गुरु भी मानती थी, तो इसलिए इस रूप में पवन सिंह का खुश होना लाजमी है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।